उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित पूर्वी लखनऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सीट पर पूर्व पार्षद मुकेश सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। ये जानकारी कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 173 लखनऊ पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुकेश सिंह चौहान की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। बता दें, उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों ददरौल, लखनऊ पूर्वी, गैसड़ी और द्वंद्वी पर उपचुनाव होने हैं। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट के विधायक रहे आशुतोष टंडन गोपाल जी के देहांत के बाद लखनऊ पूर्वी सीट खाली हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर बीते महीने ही चुनाव का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अन्य 3 सीट गैसड़ी, ददरौल और द्वंद्वी पर इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के साथ 5वें चरण में संपन्न कराए जाएंगे और 20 मई को वोटिंग होगी। वहीं ददरौल में लोकसभा चुनाव के साथ 4थे चरण में 13 मई, गैसड़ी सीट पर लोकसभा के दौरान 6ठे चरण में 25 मई, द्वंद्वी में सीट 7वें चरण में 1 जून को मतदान कराए जाएंगे। ददरौल सीट मानवेंद्र सिंह के निधन, गैसड़ी सीट शिव प्रसाद यादव और द्वंद्वी विधानसभा सीट पर रामदुलार के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। इन सभी सीटों पर 4 जून को परिणाम आएंगे।